ऑफ रोमांस के नाम से जाने वाले फिल्म मेकर यश चोपड़ा का जन्म लाहौर में 27 सितंबर 1932 को हुआ था। आज उनका जन्मदिन है। उनके बड़े भाई बीआर चोपड़ा भी बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। यश साहब ने करियर की शुरुआत में भाई के साथ बतौर डायरेक्टर काम किया। उन्होंने फिल्म नया दौर, एक ही रास्ता और साधना जैसी फिल्मों में काम किया। बतौर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहली फिल्म साल 1959 में धूल की फूल बनाई। उन्होंने 22 फिल्में डायरेक्ट की जबकि 51 फिल्में प्रोड्यूस की। 21 अक्टूबर 2012 को उनका निधन हो गया, लेकिन बॉलीवुड में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। 60 से 70 के दशक की मशहूर हीरोइन मुमताज़ को तो आप सभी जानते होंगे। उनकी अदा, स्टाइल और एक्टिंग के दौरान उनकी हल्की सी मुस्कान सभी को दीवाना बना देती थी। लेकिन शायद ही आप जानते हों कि लाखों दिलों को घायल कर देने वाली मुमताज़ निर्देशक यश चोपड़ा के प्यार में पागल थी। खुद यश चोपड़ा भी मुमताज़ को बेहद पसंद करते थे। यश चोपड़ा ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरस्टार दिए। इनमें से एक नाम किंग खान यानी शाहरुख खान का भी है। एक वक्त ऐसा था जब यश चोपड़ा और शाहरुख खान एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। दोनों की दोस्ती फिल्म डर से शुरू हुई। कम ही लोगों को पता है कि यश चोपड़ा की पहली पसंद शाहरुख खान नहीं थे। उस वक्त इस रोल का ऑफर अजय देवगन को दिया गया था, लेकिन डेट्स की कमी के चलते उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। फिर आमिर खान से इसके लिए बात की गई तो उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अजय देवगन और आमिर के मना करने के बाद में आखिर ये रोल शाहरुख के पास आया। यश चोपड़ा ने 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पर आधारित एक वीडियो भी बनाया था। इस दौरान यश चोपड़ा और अटल जी के बीच बड़ी ही रोचक बात हुई थी। इस बारे में एक बार अटल जी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए यश चोपड़ा के बारे में कहा कि यश चोपड़ा अचानक एक दिन मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि वो मुझे डायरेक्ट करना चाहते हैं। इस पर मैंने कहा कि मैं खुद को आपके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्ट करोगे। मैं तुम्हारे काम का हमेशा एडमायरर हूँ और हमेशा रहूँगा। बॉलीवुड को कई सारी रोमांटिक फिल्में देने में यश चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ है और बॉलीवुड में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।